ऑस्ट्रेलिया को मिल चुकी है पहली जीत वर्ल्ड कप की, और इसी के साथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने अपने जीत की शुरुआत कर दिया वर्ल्ड कप में, और इसके साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा बहुत पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा उछल पुथल तो मचा है। अब वो क्या मचा है वो तो वीडियो में डिस्कस हम लोग करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यह मुकाबला खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के बीच कहां के स्टेडियम में, जहां दोस्तों श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करता है, जिसमें कि दोस्तों श्रीलंका जो है 209 पे ऑल आउट हो जाता है, और जो श्रीलंका ही टॉस जीतता है पहले बल्लेबाजी करने का प्रयास करता है, जिसमें कि वो दोस्तों मात्र 209 रन पे ही ऑल आउट हो जाता है, जिसको दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है 35 ओवर में ही 215 का स्कोर बना देती है और इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीत जाती है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत जाती है, जिसमें दोस्तों जिताने में सबसे बड़ा रोल रहता है जोस इंग्लिस का, मिचेल मार्श का, इसके दोस्तों लास्ट में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं मैक्सवेल और स्टोनिस, और सोचते कि जितना जल्दी हम सब हो सके अपने नेट रन को सुधारे और जितना जल्दी हो सके मुकाबले को जीते, और उन्होंने दोस्तों बहुत ही जल्दी मुकाबले को खत्म किया 35 ओवर में और लगभग 5 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया। सो फटाफट पॉइंट्स टेबल की अगर बात की जाए कि आखिर किस कंडीशन में पहुंच चुकी है कौन हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम, वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम आखिर कहां तक पहुंची वो जान लेते दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया जो है लगातार 2 मुकाबले हारा था साउथ अफ्रीका और इंडिया से, सो दोस्तों यह मुकाबला भी ऐसा लग रहा था कि शायद जो ऑस्ट्रेलिया हार जाए, जिस प्रकार की शुरू में बल्लेबाजी करके दिखा रहे थे श्रीलंका बल्लेबाज पर, दोस्तों जिस प्रकार से वापसी करा एडम जाम्पा ने, पैट कमिंस खुद कप्तान ने, और इस कदर से वापसी भी बल्लेबाज बॉलिंग में वापसी की वजह से बल्लेबाजी भी अच्छी करके दिखाई, और फाइनली दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मुकाबला जीत गया। सो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों इस जीत के साथ ही दोस्तों जो सबसे निचले पायदान पे था 9 नंबर पे था वो ये मुकाबला जीतकर 8 नंबर पर आ गया, थोड़ा सा रन रेट बेहतर हुआ श्रीलंका और नीदरलैंड से बेहतर हुआ, और -0.734 का इसका नेट रन इस जीत के साथ दोस्तों हो गया इसका नेट रन। भाई दोस्तों श्रीलंका को एक और झटका लग गया और जो उसके क्वालिफाई करने की यानी से फाइनल पहुंचने की एक और उम्मीद जो है ये बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा श्रीलंका के लिए, क्योंकि दोस्तों 3 मुकाबलों में 3 मुकाबले वो हार चुका है और लगभग -0.532 का उसका नेट रन रेट है, सोच सकते काफी ज्यादा बेकार रन रेट है किसका श्रीलंका का। तो श्रीलंका अगर क्वालिफाई करना चाहती है आप, जो कि दोस्तों कुल मिलाकर आप समझा जाए तो आई थिंक 6 ही मुकाबले हैं, तो 6 मुकाबले उसे लगातार जीतने होंगे, इसके साथ साथ दोस्तों बेहतर रन रेट के साथ जीतने होंगे, जो कि मुझे नामुमकिन लग रहा है श्रीलंका के लिए। सो मैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात की है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि उसको भी हर एक मुकाबला जीतना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया अगला मुकाबला जो है पाकिस्तान से वो जीतना पड़ेगा, फिर उसके बाद बहुत सारे मुकाबले हैं उनके, फिर ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नीदरलैंड से, वो मुकाबला जीतना पड़ेगा न्यूजीलैंड से है, तो ये थोड़ा सा टक्कर का पूरा देखने को मिल सकता है जब न्यूजीलैंड से मुकाबला जब होगा। सो फाइनल दोस्तों शुरू से हम लोग हाल जान लेते हैं कि वर्ल्ड कप के दौर टेस्ट के पॉइंट्स टेबल का क्या हाल। तो पहला जो है टॉप पे हमारी टीम इंडिया, दोस्तों टीम इंडिया जो है टॉप पे बनी हुई है, 3-3 यानी तीनों में से 3 मुकाबले जीती है, 6 का रन रेट है और इसका नेट रन भी काफी ज्यादा बेहतर है, लगभग +1.821 जो है इसका नेट रन। वही न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड में बिल्कुल भारत की तरह ही दोस्तों नेट रन में काफी अंतर नहीं है, लगभग 200 का अंतर, और 3 में से 3 मुकाबले जीता है और 6 इसका पॉइंट है दोस्तों आओ, और +1260 जो है इसका नेट रन। वही साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो इस वर्ल्ड कप में सबसे अगर किसी बेहतर रन रेट है वो साउथ अफ्रीका का ही है, लगभग 2.360। सो अगर कल जो साउथ अफ्रीका का मुकाबला होता है, किससे मुकाबला है वो देख लेते हैं, कल जो मुकाबला खेला जाएगा साउथ अफ्रीका का नीदरलैंड से, अगर वो मुकाबला जीत जाता तो सबको पछाड़कर, इंडिया को पछाड़कर, न्यूजीलैंड को पछाड़कर साउथ अफ्रीका जो है वो पॉइंट्स टेबल पे पहले नंबर पे पहुंच जाएगा। वहीं दोस्तों पाकिस्तान की बात की जाए, भारत से मिले इसको हार के बाद दोस्तों थोड़ा सा इसका नेट रन में थोड़ा सा गड़बड़ी आई है और लगभग 3 में से 2 मुकाबले जीता, 1 मुकाबला हारा, -0.137 जो है इसका नेट रन रेट बन गया। वहीं दोस्तों इंग्लैंड को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ, जिस प्रकार से उसने अफगानिस्तान के खिलाफ जो मिली उसकी हार, उससे भी उसको नुकसान हुआ, 3 मुकाबले 1 मुकाबला जीता और 2 मुकाबला हारा दोस्तों, और -0.084 यानी ये भी माइनस पे चला गया है अफगानिस्तान से मिले हार के बाद। वही दोस्तों अफगानिस्तान भी काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है, जो टीम बहुत ज्यादा नीचे थी लगभग 8वें पोजीशन पे थी, वो डायरेक्ट 6ठे पोजीशन पे आ गई, कौन अफगानिस्तान की टीम। 3 मुकाबले में दोस्तों 1 मुकाबला जीता है, 2 मुकाबला हारा है और पहला मुकाबला ही दोस्तों ये खतरनाक तरीके से इंग्लैंड को हरा दिया है। सो इसका जो नेट रन वो माइनस में 0.652। वही दोस्तों बांग्लादेश भी 3 मुकाबले में से 1 मुकाबला जीता है, 2 मुकाबला हारा है और 2 पॉइंट इसका दोस्तों -699 जो है 0.699 जो इसका नेट रन। वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात तो मैंने बता दी, श्रीलंका की बात मैंने बता दी, अब नीदरलैंड सबसे निचले पोजीशन पे, इसकी बात क्या कही जाए,
ये तो अभी तक जीती भी नहीं, एक मुकाबला, दोनों मुकाबले हुए, इसके बाद दोनों मुकाबले ये हार चुका है। तो अब सवाल उठता है दोस्तों कि कल जो है साउथ अफ्रीका अगर जीतेगा तो न्यूजीलैंड और क्या बोलते हैं इंडिया को पछाड़ कर दोस्तों वो पहले नंबर पे पहुंच जाएगा। तो ये है दोस्तों ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट्स टेबल का हाल। ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा फायदा हुआ, वहीं दोस्तों श्रीलंका को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के लिए दोस्तों अब सारे मैचेस डू ऑर डाई की तरह खेलने होंगे, क्योंकि दोस्तों सामने जो टीम है और टीम इंडिया ऑलरेडी 3 मुकाबले जीत चुके, वही न्यूजीलैंड भी 3 मुकाबले जीत चुका है, तो दो जगह तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जगह जो मैं मानता हूँ साउथ अफ्रीका के लिए, 4 नंबर के लिए लड़ाई भी हो सकता है। आप 4 नंबर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है, पाकिस्तान पहुंचती है, या फिर श्रीलंका पहुंचती है, या फिर कौन पहुंचती है वो तो पता ही चाहिए। इंग्लैंड भी दोस्तों रेस में है, सो रेस में सबसे ऊपर नाम तो मैं ऑस्ट्रेलिया का ही मानूंगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे इस वर्ल्ड कप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।